इंजीनियरिंग, थर्ड सेम सीएससी, नंबर वन, टाइप्स ऑफ सिस्टम। देर आर बेसिकली फोर टाइप ऑफ ए सिस्टम, ओपन एंड क्लोज सिस्टम, मैन मेड वर्सेस नेचुरल सिस्टम, फिजिकल एंड सिस्टम। नंबर फोर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। नंबर वन इज ओपन वर्सेस क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम हैज मैनी इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट। ओपन सिस्टम हैज मैनी इंटरफेस विद द एनवायरनमेंट। इट इंटरैक्ट विद द अदर सिस्टम। ओपन सिस्टम इंटरैक्ट विद द अदर मैनी सिस्टम। ओपन सिस्टम रिसीव इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड एंड डिलीवर्स आउटपुट टू द आउटसाइड टू द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सिस्टम एंड दिस इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम। एंड सपोज दिस कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम रिसीव द इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड एंड प्रोसेस इट एंड सेंड द आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। मीन्स दिस सिस्टम टेक्स द इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड एंड सेंड द आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स दिस इज ए ओपन सिस्टम। नाउ केम टू द क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मे आल्सो कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। इट नेवर शेयर्स इनपुट फ्रॉम द आउटसाइड एंड नेवर सेंड द आउटपुट टू द आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। सेकेंड कैटेगरी इज मैन मेड वर्सेस नेचुरल सिस्टम। फर्स्टली मैन मेड। मैन मेड मीन्स विच द सिस्टम विच इज मेड बाय द वुमेन। द सिस्टम विच इज मेड बाय द वुमेन टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट। मेड बाय द वुमेन टू सर्व ए पर्टिकुलर पर्पस इन ए पर्टिकुलर environment. For example, we have a telecommunication system, we have a education system, we have a health system, or we have a financial system. These systems are made by the human or man-made system. Second category is natural system. Natural system is made by the nature. Made by the nature. For example, we have a solar system, we have a rain system, we have a geological system, or we have a energy system. These systems are natural system. Third category is physical versus abstract system. Physical means which can be tangible entity means which take the space or which we can feel that or we and touch the physical entity. It can be static or can be dynamic. Means physical system can be static or can be dynamic. For example, we have a computer lab. In this we have a chairs, table, personal computers, we have a PC, we have a chairs, we have a table. In this system we have all the hardware and all the software are fixed, no change. Means this system is a static system. Order may be changed, semester may be changed, or syllabus may be changed, but the lab is static. Means this is a
फिजिकल स्टैटिक सिस्टम। सेकेंड कैटेगरी इज अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। इट मे आल्सो कॉल्ड कंसेप्चुअल सिस्टम और मे आल्सो कॉल्ड लॉजिकल सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम। मीन्स वर्चुअल मीन्स विच इज नॉट फिजिकल। वर्चुअल सिस्टम मीन्स विच इज नॉट फिजिकल सिस्टम। लॉजिकल मीन्स विच वी थिंक इन द माइंड, विच इज नॉट प्रेजेंट इन द फिजिकल फॉर्म, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। इन दिस वी यूज द मॉडल ऑफ ए लार्ज सिस्टम। मीन्स मॉडल हैज इम्प्लीमेंट द सेट ऑफ फॉर्मूला और सेट ऑफ रूल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर। इन दिस वी हैव ट्रेन द यूजर टू फॉर द एयरक्राफ्ट इन ए स्मॉल मॉडल, नॉट अ एक्चुअल एयरप्लेन। नंबर फोर इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ पीपल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजीज, डाटा, रिसोर्स एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। मीन्स इट इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, टेक्नोलॉजी, डाटा एंड लास्ट इज नेटवर्क। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज टू कलेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम। नाउ केम टू द एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। देर आर सिक्स एलिमेंट इन द सिस्टम। फर्स्ट इज आउटपुट एंड इनपुट्स। एवरी सिस्टम हैज वेल डिफाइंड आउटपुट एंड वेल डिफाइंड इनपुट्स। प्रोड्यूसेस एंड आउटपुट दैट डिलीवर्स सम वैल्यू टू द इंटेंडेड यूजर। मीन्स दिस इज ए सिस्टम, इट कैन डिलीवर्स सम वैल्यू टू द इंटेंडेड यूजर। आउटपुट मे बी सम गुड, सम सर्विस और मे बी सम इंफॉर्मेशन और मे बी सम डाटा। इट मे बी सम इंफॉर्मेशन, डाटा, सर्विस और एनी टाइप ऑफ गुड्स। सेकेंड एलिमेंट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द converting the input to the output according to the requirement of a user. Processor is responsible for the converting of the input to the output according to the requirement of the user. Third element is control. Control performs the task of the decision making, control the activities performed in every part of the system. It controls the activity which is performed in every part of the system and perform the task of the decision making. Number four is control is also direct responsible for success or failure of a system. Control is directly responsible for the success or failure of a system. Number four is feedback. Feedback may be positive or may be negative.
मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, इट मे बी इन द डायनामिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ ए मोबाइल फोन। फर्स्टली मोबाइल फोन कंपनी लॉन्चेस सम मोबाइल एंड इट विल गिव्स टू द सम यूजर फॉर द टेस्टिंग पर्पस। इफ द टेस्ट इज पास देन इट विल गिव्स टू द इट विल लॉन्च इन द मार्केट। एंड नंबर फाइव इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इस पर्टिकुलर इस बेसिकली इस ए सिस्टम। एनवायरमेंट कंटेन्स ए सिस्टम एज ए पार्ट, कंटेन ए सिस्टम एज ए पार्ट मीन्स ऑल द कंपोनेंट सिस्टम इनपुट्स आउटपुट्स बाउंड्रीज इंटरफेस ऑल कम्स अंडर द एनवायरमेंट पार्ट। नंबर सिक्स, नंबर सिक्स इज बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस मीन्स दिस इज ए बाउंड्री ऑफ ए सिस्टम और इट इज ए इंटरफेस ऑफ द सिस्टम। बाउंड्री मे बी वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड और इंटरफेस मे बी वेल डिफाइंड। सो दिस सिक्स एलिमेंट आर द एलिमेंट ऑफ ए सिस्टम। थैंक्स।